सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार का। मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री इसलिए चाहिए कि जब देखे सत्ता पराशीन हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, यही होगा कि हम एक तरफ अगर जरूरत पड़ा जिला के स्पीकर तो मंदिरों से भी हटेगा तो मस्जिदों से भी हटेगा। आज सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, आपको मालूम है एक जगह एक कलेक्टर यहाँ आया था जिसमें एक समुदाय विशेष के कारण उसने सड़कों को जाम कर दिया। मालूम है सिमरिया से लेके खगड़िया तक दर्जनों मंदिर हट गए, क्या वो सड़क के किनारे से वो कब्रिस्तान भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये न्याय कौन देगा जब आएगा इस राज्य में जो कि जैसा मुख्यमंत्री, वही न्याय देगा। एक बार तालियों की गर्जना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प ले चुका है 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बैठाना है और उसमें बिहार की सारी सीटी जीतनी है। और दूसरा, बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद जी को भी सत्ता तक पहुंचाया, कपूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है, पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगा। बिहार में अपराधी को छोड़े जा रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अपराधी को छोड़ रही है, और हम भाजपा की सरकार बनेगा तो ये जनता को गारंटी देना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार सारे अपराधियों का इलाज करने का काम करेगा।